वो ही सारी है क्या? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं परवीन कुमार गाइस आप लोगों का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। सभी लोग मुझे जल्दी से ये बता दीजिए क्या वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार सभी लोग मुझे ये बता दीजिए क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? क्लियर? चलो अरे सर कहाँ कहे नहीं अबात। सर जय हिंद जय हिंद। क्लियर है सर? करें स्टार्ट? चलो फिर करते हैं स्टार्ट भैया। एक बार मैं सभी को बोल देता हूँ आ जाइए। चलो एक बार मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ, मुझे भी दिख जाए तो अच्छा है। चलो सर कल WPSC JEE में आपके नोट से सब क्वेश्चन आया था। थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चंस आपके नोट से आया था। चलो तो सबसे पहली बात तो सबको आज अच्छी तरीके से सारी चीजें दिख रही होंगी, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे प्लीज आप कमेंट करके बता दें कि सर हाँ सर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। तो जो भी बेसिक अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूँ सबसे पहले। तो क्लियर जो भी आप लोगों की बेसिक अनाउंसमेंट है। अरे वो कहाँ गया सब? एक मिनट कहाँ गया? एक मिनट जो पेट चलो ये रहा ना, चलो ये रहे क्वेश्चंस। तो सबसे बेसिक अनाउंसमेंट ये है कि गाइज आप लोगों की 10% की प्राइस ड्रॉप हुई है। आप लोगों को 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकते हो। 31 जुलाई तक ऑफर है। कोड आपको सिविल गुरु लगाना है। कोड आपको क्या लगाना है भैया? सिविल गुरु आपको कोड लगाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाइस प्राइस क्या है भैया? 6 महीने में हमने 10% की प्राइस ड्रॉप करी है। 6,113 रुपए का है। 1 साल का गाइस 8,042 रुपए का है। 2 साल का भैया 11,250 का है। और कोड आप सिविल गुरु यूज करोगे तो आपको गाइस डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। ठीक है दोस्तों, आप चाहे ESC का लो चाहे गेट का लो। आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी आप लोगों को। साथ में गाइस अभी SSC में जो मेजर चेंज हुए हैं उसके हिसाब से हम ये सेशंस करवा रहे हैं। एक AI की वैकेंसी आई है। 237 वैकेंसीज हैं। सारी जानकारी दी गई है। उसके लिए भी एक रिकॉर्डेड बैच है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइस कोड आप उसमें भी सिविल गुरु लगा सकते हो। ठीक है, कोड उसमें भी आप सिविल गुरु लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ में गाइज हमारा 27 तारीख से एक बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें गाइज मैं आप लोगों को 4 बजे परवीन सर यानी मेरा नाम ही है परवीन फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। कोड आपको सिविल गुरु यूज कर आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो भैया सारे सारे स्टूडेंट आ गए होंगे, अब करते हैं स्टार्ट। क्या सभी लोग आ गए क्या? चलो भैया अभी करते हैं स्टार्ट। सभी लोग आ गए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। चलो भैया सभी लोग करो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर दीजिए भैया। मैं साइड में हट गया हूं। सभी लोग आंसर देते। चलो भैया तो आंसर क्या आएगा भैया? बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ भैया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा गाइस? काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ये रेड पेन दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ए। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सभी लोग मुझे बताएंगे ए आंसर दे रहे हैं, जबकि गलत है। सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग मेथड फॉर द ऑल्सो नोन एज द यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। किसको हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड से जानते हैं? आप लोगों को ये सवाल पता है तो आंसर आएगा गाइस सी,
जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को हम किससे जानते हैं भैया, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड के नाम से जानते हैं। तो आंसर आएगा सी। अगर पूछ लेता ओल्ड सिटीज के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो भैया आंसर आता अर्थमेटिक, एसएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कहां गया ये। तो आंसर आएगा सी। अगला सवाल, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्प्रिंकलिंग फिल्टर, सभी लोग बताएंगे भैया, जल्दी से बताइए सेकंड का आंसर। और क्वेश्चन लिखने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर आंसर दें। तो सभी लोग बताएंगे भैया कौन सा होगा भैया ट्रिंकलिंग फिल्टर, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा दूसरे का, सभी लोग बता रहे हैं सर बायोलॉजिकल एक्शन। यस, हमें ऑलरेडी पता है ट्रिंकलिंग फिल्टर जो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है। यस सर, बायोलॉजिकल यूनिट है। तो आंसर क्या आएगा, बायोलॉजिकल एक्शन। क्या मुझे ये बताओ, क्या ट्रिंकलिंग फिल्टर हमारा अटैच ग्रोथ सिस्टम है क्या? तो प्री में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ट्रिंकलिंग फिल्टर हमारा क्या है भैया। तो ट्रिंकलिंग फिल्टर हमारा अटैच ग्रोथ सिस्टम है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ट्रिंकलिंग फिल्टर हमारा क्या है, अटैच ग्रोथ सिस्टम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूट्यूब पर जितने भी लड़के हैं, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये जो वीडियो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में परवीन सर टेलीग्राम है। तो कल भी मैंने आरसीसी की वहां पे डाल दी थी, आज इस वाली भी मैं वहां पर डाल दूंगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाओगे तो परवीन सर टेलीग्राम। तो इसका आंसर आएगा बायोलॉजिकल एक्शन। अगला सवाल बताइए गाइस, बहुत बेसिक सवाल है, सभी लोग इसका आंसर बताइए कौन सा आएगा, सभी लोग बताइए भैया कौन सा आंसर आएगा तीसरा, सभी लोग करो, हाँ लाइक कर दीजिए सभी। सर आरसीसी की नहीं डाली, ऑलरेडी डाल दिए भैया। ज्योति यादव, सर आपका कोर्स लेना, ले सकते हो मैम, 25% का ऑफर है सिविल गुरु कोड लगाकर। तो सभी लोग बताओ, अगर डिमांड रेट ज्यादा है सप्लाई रेट से, एक में सप्लाई रेट ज्यादा है डिमांड रेट से, एक सप्लाई रेट और डिमांड रेट बराबर है, सभी लोग मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा तीसरे में, सभी लोग मुझे बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर काफी लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे। तो आंसर आएगा बी, बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर मान लीजिए सप्लाई रेट, सप्लाई अगर आपकी डिमांड रेट, सभी लोग मुझे बताओ, अगर डिमांड रेट ज्यादा है सप्लाई रेट से तो क्या होगा भैया, सभी लोग मुझे बताओ। पापा के पास आपको चाहिए डिमांड 8,000 रुपए और सप्लाई हो रही है 6,000 रुपए, इसका मतलब पैसों की क्या है, कमी है ना भैया, तभी तो आपकी क्या हुई है, डिमांड बढ़ी है ना, डिमांड बढ़ी है मतलब आपकी कमी है ना, सप्लाई की कमी, तो क्या होगा, वाटर इज गेटिंग डिप्लीट। अगर गाइज आपकी सप्लाई रेट ज्यादा है डिमांड रेट कम है, बात सबको समझ में आ गया, आपको चाहिए थे 6,000 रुपए, पापा डिमांड 6,000 के, पापा भेज 8,000 रुपए है, इसका मतलब पापा के पास बहुत रोकड़ा पड़ा है रे बाबा, बहुत दबा दबा के पापा ने रखे हैं पैसा। तो आंसर क्या आएगा, वाटर इज गेटिंग स्टोर। अगर दोनों है भैया कि भैया सप्लाई बराबर आपकी क्या हो रखी है, डिमांड हो रखी है, तो आपका क्या जाएगा भैया, स्टोरेज क्या है, नील, कुछ नहीं है, पापा 6,000 रुपए कमाते हैं, 6,000 ही आपको दे रहे हैं, तो पापा के पास कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है। तो आंसर क्या आएगा बी। मेरे हिसाब से सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बताइए गाइस, आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। जाबा सिकंदर जल्दी से बताइए, सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताइए भैया, सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे 250। फोर्थ का आंसर बताएंगे भैया, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, फोर्थ का आंसर क्या आएगा भैया, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, सभी लोग, काफी लोग का कमेंट भी कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा डी। तो यहां पर देखो बात किसकी कही है, पहली बात तो एसएससी प्री के लिए है कि आपको कास्ट आयरन पाइप के लिए बताना है। सबसे पहले बात, कास्ट आयरन पाइप के आपको एडवांटेज भी पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। एक तो एडवांटेज, कास्ट जो आयरन पाइप है इसकी एक एडवांटेज तो यह है कि भैया इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, एडवांटेज बता रहा हूं, इसकी एक तो होती है लॉन्गर लाइफ, क्लियर, लॉन्गर लाइफ हो जाए, आप इजी से ज्वाइन कर पाते हो, इजी टू ज्वाइन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक गाइस, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, क्या होता है भैया, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, तो ये भी सही है, लॉन्ग लाइफ भी होती है, इजी टू मेक जॉइंट्स, ये भी सही है, और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, क्लियर, ये भी सही है, यानी चारों एडवांटेज इसके सही लिखे गए हैं। तो आंसर आएगा डी।
अगर मैं डिसएडवांटेज पूछ लूं तो मुझे बताओ इसका डिसएडवांटेज क्या है, सभी लोग मुझे बताएं तो डिसएडवांटेज क्या है। इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो समय के साथ डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं इसका डिसएडवांटेज पूछूं कि सर कास्ट आयरन पाइप का बताओ, तो समय के साथ इसकी वाटर जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब समय के साथ ये कम पानी को कैरी करने लग जाता है। बात समझ में आ गया गाइस? इसको जहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है वहां पर जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। अब ये काफी लार्ज होते हैं और हैवी होते हैं और अनइकोनॉमिकल होते हैं। ये लार्ज होते हैं, हैवी होते हैं, अनइकोनॉमिकल होते हैं। तो ये मैंने एडवांटेज भी बता दिया आपको और डिसएडवांटेज भी बता दिया। क्या सबको समझ में आ गया क्या? तो इसका आंसर आएगा गाइज डी। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे भैया, ड्यूरिंग गाइज इन्वर्जन कंडीशन क्या आंसर आएगा? सभी लोग मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से मुझे बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, सभी लोग मुझे बताओ गाइस, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ के आंसर में क्या आएगा भैया? फिफ्थ का आंसर बताएंगे गाइस सभी लोग। बहुत बढ़िया, फिफ्थ का आंसर, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो आंसर आएगा बी। तो ड्यूरिंग गाइस इन्वर्जन कंडीशन एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या एक सवाल और पूछा जाता है क्या? ये गाइस इन्वर्जन का मतलब क्या है गाइस? सभी लोग मुझे बताओ, क्या आपका ई एल आर इज नेगेटिव है क्या? यस, ई एल आर इज क्या है भैया? नेगेटिव। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में एक बात और पता होनी चाहिए, ये तो बात समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है और साथ में गाइस उसके एल्टीट्यूड भी, गाइस एल्टीट्यूड भी क्या करता है? इंक्रीज। एक सवाल और फ्री में पूछा जाता है, अगर आपके ई एल आर की वैल्यू ज्यादा है, अगर आपके ई एल आर की वैल्यू ज्यादा है ए एल आर से, अगर ई एल आर की वैल्यू ज्यादा ए एल आर से तो क्या होगा भैया? अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा क्या? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा। क्लियर? अच्छा, और अगर ई एल आर की वैल्यू कम है और ए एल आर की वैल्यू ज्यादा है तो ये भी पता होना चाहिए इस केस में क्या होगा? स्टेबल इन्वायरमेंट होगा। और अगर ई एल आर बराबर ए एल आर है तो इस बात में तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है गाइस, न्यूट्रल कंडीशन होगी। क्लियर? और ये भी बात पता होनी चाहिए इस केस में कौन सी कंडीशन होगी गाइस, ये भी पता होना चाहिए आपका। सुपर गाइस, सुपर एडियाबेटिक रेट होगा और इसमें क्या होगा? सब होगा। तो मेरे हिसाब से सबको ये समझ में आ गया है, तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं कमेंट क्यों नहीं देख पा रहा हूं, सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर, सभी लोग मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर। आज कमेंट में मजा आ रहा, सभी लोग मुझे बताइए भैया जल्दी से इसका आंसर बताइए भैया कि आपको कौन सा ट्रबल होगा, कौन सा ट्रबल होगा भैया गाइज रैपिड सेंड फिल्टर में? सर प्लीज बताइए कि फैकल्टी नॉन टैग की, क्या कौन सी फैकल्टी नॉन टैग की? तो आंसर क्या आएगा गाइस? सभी लोग बताएंगे सिक्स का आंसर आएगा बी। आप लोगों को बहुत बढ़िया गाइस। दो तरीके के होते हैं, एक रैपिड सेंड फिल्टर होता है, एक स्लो सेंड फिल्टर होता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि रैपिड सेंड फिल्टर की फ्लो रेट क्या होती है और गाइस स्लो की कितनी होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक की होती है स्लो वाले की 100 से 200 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी कितनी होती है? 3000 से 6000। तो गाइस जो फ्लाई वाली होती है, जो फ्लाई की समस्या होती है, क्या ये ट्रिंकलिंग फिल्टर में होती है क्या? यस, ये ट्रिंकलिंग फिल्टर में होती है। जबकि जो एयर बाइंडिंग वाली है ये किसमें होती है? रैपिड में। मड बॉल फॉर्मेशन भी वाला किसमें होता है? मड में। तो गाइज और पॉन्डिंग वाला भी किसमें होता है? ट्रिंकलिंग फिल्टर में। अगर ट्रिंकलिंग फिल्टर का पूछता तो मैं पहला भी बता देता और चौथा भी बता देता, पर पूछा किसका है? रैपिड सेंड फिल्टर का। तो आंसर क्या आएगा? दूसरा और तीसरा। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगला सवाल, अगर सबको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर, गाइज बहुत बढ़िया है कलवर्ट्स के गाइज, कौन सा आप सीवर यूज करोगे? काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। मेरे को कुछ नहीं पता यूनिवर्सल। अरे रचना, ये चैटिंग वेटिंग बाद में कर लेना। सभी लोग बताओ यस, अगर HRTF होता है, हाई रेट ट्रिंकलिंग फिल्टर होता है तो निहाल, ये गाइज ये पॉन्डिंग वगैरह की समस्या नहीं होती है। सभी लोग मुझे बताएंगे कौन सा यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, सीधा वन लाइनर है,
सर्कुलर ब्रिक सीवर यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे, परमानेंट हार्डनेस, सभी लोग मुझे बताओ परमानेंट वाला, सभी लोग बताएंगे किससे रिमूव करोगे परमानेंट वाला भैया। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, सभी लोग मुझे बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं कि परमानेंट वाले का आठवें का आंसर क्या आएगा भैया। बहुत बढ़िया, आठवें का आंसर क्या आएगा, सी। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं कि सर आठवें का आंसर क्या आएगा, सी। तो आप लोगों से पूछा कि परमानेंट हार्डनेस कैन नोट बी, ये नोट के बाबा लिखो, ये नोट ही है जो आप नोट कमाने के लिए मजबूर करेंगे। तो नोट पूछा है, लाइन, जबकि लाइन क्या करता है आपकी टेम्परेरी को रिमूव करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेरी हार्डनेस को दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप, एक तो बॉइलिंग कर दीजिए आप, या एक आप लाइम को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। अब ये मुझे बताओ सभी लोग, क्या टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है गाइज, सभी लोग मुझे बताओ गाइज, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। जबकि परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को किस किस से रिमूव करते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस से भी कर देते हैं हम, बेस एक्सचेंज प्रोसेस से भी कर देते हैं, और इससे भी कर देते हैं। तो ये किसके तीनों प्रोसेस लिखे गए हैं, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिखे गए हैं। पर नोट पूछा है तो लाइम आ जाएगा। अच्छा, लाइम सोडा होगा, लाइम नहीं होगा, ध्यान रख लेना भैया, इसमें रिकार्बोनेशन होता है, बात ध्यान से देख लेना। अगला सवाल सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, अगला सवाल का सभी लोग, चाहता हूं मैं सभी लोग इसका आंसर बताए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया गाइस, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9, रागनी बेस एक्सचेंज, बहुत बढ़िया, 9 का आंसर बताइए, 9 का बताइए। एज पर आईएस कोड 2296 व्हिच कैटेगरी ऑफ सरफेस वाटर कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, क्या आंसर आएगा भैया। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा, काफी लोग सही भी आंसर दे रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा भैया, आंसर आएगा कैटेगरी ए। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी लिखी गई, एक कैटेगरी ए होता है, एक बी होता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सी होता है, एक डी होता है, एक ई होता है। ई ऑलरेडी पता है, ए आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ए कैटेगरी किस बात को बता रहा है, इस आईएस कोड के हिसाब से 2296/1982 के हिसाब से कि ड्रिंकिंग वाटर होता है जो आपका वो विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, बिना कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है आपका, जो भी आपकी स्क्रीनिंग है, प्री क्लोरिनेशन है, आपका एरेशन है, आप लोगों का क्या भैया सेडिमेंटेशन है, ये उसके बाद आपने उसमें कोगुलेंट डाल दिया है, उसके बाद एसएसटी आपका, ये फिल्ट्रेशन, ये सब इसको बिना किए बस आफ्टर डिसइंफेक्शन करो आप काम ले सकते हो, तो आ जाएगा कैटेगरी ए। जबकि आपका क्लास बी में क्या आएगा, वाटर फॉर अदर डोर बाथिंग, क्या आएगा गाइस, वाटर फॉर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आउटडोर बाथिंग। तो गाइज ये सारी चीजें आउटडोर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बाथिंग। अब सी किसके वगैरह होता है, सी में क्या आ जाएगा, सी में गाइज आपका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आ जाएगा, सी में, ये जैसे इसमें विदाउट था ना ए में, तो सी में विद आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गया क्या। अच्छा, क्लास डी किस बात को बताता है, वाटर फॉर फिश कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, फिश लाइफ और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो सर ई किसको बताता है, जो वाटर है वो इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताता है, कौन, आप लोगों का जो ई है। तो मैंने सारी क्लासे बता दी हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए आंसर आएगा। अगला सवाल सभी लोग इसका आंसर करेंगे, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सभी लोग मुझे बताइए, सर एक बार ये सब लिखवा दीजिए ना, लिखवाना है आप लोगों को, मुझे बता दीजिए, लिखवाना है तो लिखवा दूंगा। सभी लोग टेंथ का आंसर बताइए, टेंथ का आंसर बताएंगे भैया। चलो अब से मैं लिखवा दूंगा भैया, अब से मैं लिखवा भी दिया करूंगा, टेंथ का आंसर बताइए, लिखवा दो सर, चलो आगे से मैं लिखवा दूंगा जो भी चीज आएगी। चलो तो टेंथ का आंसर क्या आएगा भैया, टेंथ का आंसर क्या आएगा भैया, सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, एज पर नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिसिबल लिमिट गाइज, परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज ड्यूरिंग नाइट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट टाइम के बारे में पूछा है,
और रेजिडेंशियल एरिया है, तो आंसर आएगा 45। अगर आप इसकी टेबल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहां पर कैटेगरी लिख देता हूं आप लोगों को, उसके बाद मैं किसकी लिख देता हूं, डे की लिमिट लिख देता हूं, क्लियर, और ये सारी डीबी में है। उसके बाद मैं इधर किसकी लिख देता हूं, नाइट की लिख देता हूं, सबकी लिख देता हूं। चलो आप भी क्या याद रखो, पहला कैटेगरी कौन सी लूं, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया ले लूं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे डे में कितना होता है, तो 75 और 70, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। अगर कैटेगरी कौन सी, मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, अगर मैं कॉमर्शियल की बात कर रहा हूं, अगर मैं कॉमर्शियल की बात कर रहा हूं तो कितना आएगा, 65 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 55। अब जैसे मेरा सवाल आया था, मेरा तो ना इंडस्ट्रियल था ना कॉमर्शियल, मेरा कौन सा था, रेजिडेंशियल, तो जैसे मैंने लिखूंगा रेजिडेंशियल तो मुझे तो पता ही इसका क्या आएगा भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए 55 आएगा, और साथ में गाइज डे का कितना आएगा, 45, और इसने किसका पूछा था, डे का ही पूछा था, क्लियर। साथ में गाइज अगर आपसे साइलेंस जोन का पूछे कि भैया साइलेंस जोन का नाइट और डे में बताना है, तो गाइज ऑलरेडी इसका 50 और 40 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया क्या? अगर सबको समझ में आ गया है तो इस सवाल को, इस टेबल को कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या सभी लोग लिख रहे हो क्या इस टेबल को, मजा आ रहा है क्या? तो ये टेबल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या लिख रहे हो क्या? अरे महाराज सारे लोग लिख रहे हो क्या, जल्दी से मुझे बता दो, अगर लिख रहे हो तो लिख रहे हो क्या भैया, अगर लाइक कर दीजिए दोस्तों, पसंद आ रहा है तो। सबने लिख लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एसएस हो गया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट की समस्या है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला सवाल तो हम इसको बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 45। अगला सवाल आप लोगों के सामने, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा सभी लोग इसका आंसर दें, सभी लोग इसका आंसर दें भैया, सभी लोग इसका आंसर दें। कह रहा है कि पार्टिकल, सभी लोग करेंगे भैया, टू बी रिमूव इन ए कंटिन्यूअस फ्लो वाटर सेडिमेंशन टैंक शुड हैव सेटलिंग वेलोसिटी, सभी लोग बताओ, बिल्कुल आसान है। तो सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा, काफी लोग आंसर दे रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, क्या आंसर आएगा भैया, ए। तो सबसे पहले आपको पता है, काफी लोग कह रहे हैं कि सर आंसर क्या आएगा, सभी लोग बता रहे हैं भैया क्या आंसर आएगा, सभी लोग मुझे बताइए, जो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है, जो आपकी गाइस सेटलिंग वेलोसिटी है, सॉरी, जो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है गाइस, वो शुड बी मोर देन होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, सरफेस लोडिंग ऑफ रेट, तो मोर देन द सरफेस लोडिंग रेट। अब इससे भी सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले तो मैं इस सेटलिंग वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेते हैं। अगर मैं सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाऊं तो डी स्क्वायर जी एस माइनस 1/18 म्यू होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और काफी सारी चीजें तो ये इसी चीज के ऊपर आ जाती हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो मुझे बताओ डेंसिटी करती है या नहीं करती, यस जी ऑलरेडी है, डेंसिटी करती है, क्लियर, पार्टिकल की भी डेंसिटी करती है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी करता है, ग्रेविटी भी करती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, साइज ऑफ पार्टिकल भी करते हैं, देखो डी भी है, शेप ऑफ पार्टिकल भी, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। और एक होता है गाइस ये सेटलिंग वेलोसिटी, दूसरा आप लोगों का क्या होता है भैया, वी नोट, वी नोट क्या होता है भैया आप लोगों को पता है, क्यू बाई वी एल। तो आप हमेशा क्या चाहोगे, आप हमेशा क्या चाहोगे कि जो वी एस है सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो भैया, वी नोट से ज्यादा हो, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी वी नोट से ज्यादा, तभी आपका क्या हो जाएगा भैया, तभी आपकी ये पार्टिकल क्या माना जाएगा, रिमूव माना जाएगा। क्या सबको ये सवाल समझ में आ गई क्या, क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, अरे सभी लोग मुझे बताओ ये समझ में आ गया क्या सबको, आगे चलूं, अगर समझ में आ गया है तो, अगर आ गया तो आगे चलूं, सभी लोग इसका आंसर क्या जाएगा, मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ रेट। अगला बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भैया जल्दी से मुझे बताइए, किसका पार्ट है भैया, हाँ यूनिट वेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर बताओ भैया, सभी लोग इसका आंसर भी बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर भी बताएंगे। तो क्या आ जाएगा भैया, सर बहुत बढ़िया, बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इज पार्ट किसके भैया, डोमेस्टिक के भी हैं
और इंडस्ट्रियल के लिए। ये तो आसान सवाल, इसमें तो क्या ही बताऊं। अगला सवाल भैया, सभी लोग अगला बताएंगे, द रेशियो ऑफ, ये भी टम्पू सवाल है, सभी लोग बताओ रे ढक्कन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा, सभी लोग मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। हाउ टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परवीन सर टेलीग्राम चैनल है, कर लेना भैया, सभी लोग मुझे बताओ। तो 68% होता है, कितना होता है भैया, सभी लोग मुझे बताएंगे कितना होता है 68%। तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो सीधा सा लगाएंगे भैया, तो आंसर क्या आएगा भैया, 68%, 68% कितना होता है 0.8, उसको क्या लिख सकता हूं 2/3, तो आंसर क्या आएगा 2/3। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, ये भी आप लोगों को बीओडी के भी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बीओडी टी बराबर क्या होता है गाइज, एल नोट, सॉरी मुझे ढंग से लिखने दो, एल नोट गाइज 1 - 10e की पावर -kdt, ये फॉर्मूले होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको निकालना है तो टी की जगह 5 लिख दीजिए, के डी की वैल्यू आप 0.1 एज्यूम कर लीजिए। आप लोगों को जो बीओडी बाई जो एल नोट का रेशियो है वो आप लोगों को 0.68 आता हुआ खुद ही मिल जाएगा, आप लोग विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है, तो 2/3। अगला सवाल बताइए दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, काफी बार ये सवाल पूछा जाता है, सभी लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग 300 लाइव चल रहा है, कहां 300 लाइव चल रहा है, 300 लाइव कहां चल रहा है। सर एक बार एबीसीडी कैटेगरी लिखवा देना, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, जो एबीसीडी कैटेगरी वाला सवाल था मैं लिखवा दूंगा भैया, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो पूछ रहा है एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन पूछ रहा है भैया, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, सर ये नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन पूछ रहा है भैया आप लोगों से, तो सेटिस्फैक्ट्री होता है 51 से 100। क्या मैं सबका लिखवा दूं क्या, क्या मैं सबका लिखवा दूं क्या, एक होता है गाइज आप लोगों का 0 से 50, क्लियर, एक होता है गाइज आप लोगों का 51 से 100, क्लियर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 51 से 100 हो गया ना। दूसरा कितना आएगा 101 से 200, फिर दूसरा इससे अगला क्या आएगा भैया 201 से 300, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला क्या आएगा 301 से 400, क्लियर, 301 से 400, तो 51 से ये क्या है भैया सेटिस्फैक्ट्री है, क्लियर। अगर मैं 101 से 200 बोलूं तो ये किस में आ जाएगा, मॉडरेट में आ जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा मॉडरेट में, क्लियर। अगर मैं 201 से 300 बोलूं तो भैया ये किस में आ जाएगा, पुअर में आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं 301 से 400 बोलूं तो वो किस में आ जाएगा, वेरी पुअर में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, फिर हम क्या करते हैं भैया आगे बढ़ते हैं, चलें, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, चलें। सर 0 से 50 का क्या होगा, सर 0 से 50 का क्या होगा, नहीं लिखा तो 0 से 50 का गुड होगा भाई, क्लियर। और 400 से ज्यादा क्या होगा भैया, 401 से ज्यादा, ये भी लिख लो, वो सीवियर में आएगा। तो सारी ये टेबल लिख लीजिए एक बार, क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, आगे बढ़ें। सर 0 से 50 मैंने लिखवा दिया, वो गुड में आ जाएगा, चलें भैया आगे, अगला सवाल चलें, चलो। तो आंसर क्या आ गया 51 से 100, क्योंकि इसने सेटिस्फैक्ट्री पूछा था। अगला सवाल सभी लोग मुझे बताएंगे, सभी लोग बताएंगे मॉडर्न कॉमर्शियल 0 से 50 को क्या बोलेंगे, गुड बोलेंगे भैया, मैंने ऑलरेडी लिखवा तो दिया आप लोगों को, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, गुड की कैटेगरी में। तो मॉडर्न कॉमर्शियल टर्बिडिटी विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, सभी लोग मुझे बताओ कौन सा आएगा भैया, ये तो टम्पू सा सवाल है, बता दीजिए, ये तो बता दीजिए भैया कौन सा आएगा भैया, सभी लोग बताओ। तो आंसर क्या आएगा, नेफ्लोमीटर, बहुत बढ़िया, इसको तो क्या ही एक्सप्लेन करूं। अगला सवाल सभी लोग मुझे बताएंगे, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से, सभी लोग मुझे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कोगुलेंट यूज फॉर वाटर, कौन सा कोगुलेंट नहीं है वाटर के लिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। और जरूर सर यूट्यूब पर सही से एसएस लेने में क्या होता है भैया, सभी लोग मुझे इसका आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, सभी लोग सर 16 का आंसर बताओ, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा, नोट पूछा है,
आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए सर कोगुलेंट होते क्या है। भैया एक होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ग्रेविटी की वजह से बड़े बड़े पार्टिकल तो नीचे सेट हो जाते हैं खुद के वेट की वजह से, पर जो छुटकू छुटकू पार्टिकल है वो सेट नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हमें तो सेट करवाना है बाबू, क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को पानी पिलाने जाओगे तो क्या ये छोटू छोटू पार्टिकल वाला पानी पिलेगी? नहीं, ब्रेकअप तो होगा ही होगा, साथ में चाटे मारेगी जो अलग। और आप लोगों को इसलिए आप क्या करोगे, छोटा सा क्या लेके आओगे, कोगुलेंट लेके आओगे। सर ये कोगुलेंट क्या होता है, मैं मार्केट में इसको केमिकल बोलता है बाबा, इसको बोलना एक तरीके के केमिकल ही होते हैं। तो आप लेके आओगे, मान लीजिए कोगुलेंट क्या आपका एलम, आप एलम लेके आना, इसमें डाल देना, ये क्या करेगा स्टिकी कंपाउंड बना देगा, स्टिकी कंपाउंड बना देगा। अरे सर ये तो चिपचिपा बना देगा, फिर तो उसे पता चल जाएगा। अरे बाबू फिर उसको घुमाना, हम इसकी मिक्सिंग करते हैं तो ये छोटू छोटू पार्टिकल चिपक जाके एक फ्लोक बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, जब उसको घुमाएंगे तो चिपक चिपक के, फिर इसका वेट हो जाएगा ज्यादा और ये भी नीचे सेट हो जाएगा। लो भैया दोनों काम हो गए, बड़े पार्टिकल भी सेट करवा दिए, छोटे पार्टिकल भी सेट करवा दिए, और हो गया भैया काम, मामला आपका सेट। तो ये सब आपके क्या है, कोगुलेंट है जो आपको यूज करते हैं। क्लियर, कौन सा काम में नहीं लेते ये भी आप लोगों को बता दिया कि भैया कौन सा काम में नहीं लेते। तो ये सब काम में लेते हैं, एलम वगैरह तो एलम काम में लेते हैं आप लोगों का, कॉपर एस काम में लेते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एलम का तो कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि भैया एलम का बताओ, तो गाइज आपको पता होना चाहिए Al2SO4 3, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर, डॉट में गाइज कितना आता है 18S2O। तो ये छोटू छोटू बातें आप लोगों को सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला सवाल करेंगे सभी लोग, मैं चाहूंगा सभी लोग इसका आंसर दें। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बता दीजिए भैया, नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। सबको समझ में आ रहा है क्या? सभी लोग मुझे बताओ क्या सबको चीजें समझ में आ रही है क्या? Al2SO3 डॉट में 18S2, यस, इसका आंसर बताएंगे। टू सोर्स जनरेट नॉइज लेवल्स ऑफ 90 dB एंड 94 dB रेस्पेक्टली, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज टू नॉइस लेवल ऑन द ह्यूमन एयर इज। भाई ये तो नहीं होगा आप लोगों से, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सभी लोग बताएंगे भैया, सर फॉर्मूला बताइए। काफी लोग कर पा रहे हैं, काफी नहीं कर पा रहे हैं, चलो देख लेते हैं, जिनसे हो रहा है वो ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा तो भी ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 95। जब भी ऐसा सवाल आए कि आपको एल इक्वलेंट निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है भैया, टेन लेना है आप लोगों को, फिर आपको लॉग लगा देना है, फिर आपको समीशन लेना है, फिर आई की वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, आई की वैल्यू 1 से लेकर आप कहां तक ले जा सकते हो, एन तक ले जा सकते हो, फिर आपको 10 रखना है, 10 की पावर L1 होती है, फिर भाई 10 होता है इनटू आपका TI होता है, लो भैया इनटू आपका TI होता है, जबकि यहां पर L1 दे रखा है 90, आपका L2 दे रखा है 94, तो बीच में गाइज प्लस भी आएगा क्योंकि यहां तो समीशन का मतलब ही प्लस होता है, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, 10 log लोग है तो 10 ही आएगा, समीशन आएगा क्योंकि दो हैं, तो पहले मैं किसको ले लूं भैया, सभी लोग मुझे बताओ पहले मैं किसको ले लूं, 90 को ले लूं तो L1 की जगह कितना रख दूं मैं, 90 रख दूं क्या, तो सभी लोग मुझे बताओ 10, 10 की पावर कितना आ जाएगा 90/10, इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत, इंटू टी, ये बात सबको समझ में आ गया। प्लस अब मैं किसको लेना हूं, L2 को लूंगा, तो मैं L2 को लूंगा तो यहां पर कितना रखूंगा 94, तो 10 की पावर 94/10, इसको सोल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा भैया कितना 95.5। क्या सबको समझ में आ गया क्या? मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्लियर, सर गुप्ता के बुक में अलग तरीके से सोल्व किया, अरे वो कहां पे भी किया हो, मुझे क्या करूं सर, डाउट सेशन चेक करो, किसका डाउट सेशन चेक करना है, मैं तो ये देख रहा हूं। चले सर ट्रिक से, क्या ट्रिक लगाऊं इसकी, जब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ही है बाबू, इसकी क्या ट्रिक लगाऊं,
चलो अगला सवाल, द पाइप इंस्टॉल फॉर वेंटिलेशन पर्पस इज कोल्ड, क्या बोलते हैं बाबू जल्दी से बताओ रे, सभी लोग मुझे बताओ क्या बोलते हैं। अगर ये सवाल भी नहीं हुआ तो भैया आराम से पानी में कूद जाइए। सर ट्रिक यूज कर सकते हैं, यूजेस 95 आता है। ओके ओके हाँ ये ट्रिक यूज कर सकते हो, सभी लोग बताएंगे भैया। टम्पू सवाल है, वी फोर गाइज वेंटिलेशन, वी फोर वेंट पाइप, बहुत बढ़िया। अगला सवाल सभी लोग उड़ाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कौन सा आएगा भैया जल्दी से बताइए। बिग बॉस यानी बे, अरे ढोलकी क्या लिख रहा है, टम्पू है क्या, बिग बॉस चल रहा है क्या, बिग बॉस बनेगा, 10 रुपए के गोलगप्पे खाए नहीं, बिग बॉस बनेगा, करी सवाल को। बिग बॉस मचा रखा है, बिना पोल के मजे नहीं आ रहा तो कूद लीजिए। पहले तो जैसे बहुत ज्यादा पोल में आंसर दिया था, आंसर क्या आएगा सी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे जल्दी से भैया, सभी लोग मुझे बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ भैया जल्दी से इसका आंसर। बहुत बढ़िया, 20 का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सी कितना आएगा भैया, 500 आएगा, बहुत बढ़िया, काफी लोग तो बिल्कुल ही गर्दा ही उड़ा दिए हैं सर, 500 बहुत बढ़िया, काफी लोग तो गर्दा ही उड़ा दिए हैं भैया, तो आंसर क्या आएगा भैया सी, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, तो आंसर क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू तो व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल डिजोल्व, तो कितना आएगा 500। क्लियर, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए लिमिट इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, तब आंसर कितना था 2000, सबकी पता होनी चाहिए। अगर हार्डनेस की पूछूं तो 200 और 600, सारी चीजें आप लोगों को क्लोराइड कंटेंट की पूछूं तो गाइज कितनी होती है 250 और 1000, फ्री अमोनिया की पूछूं 0.15, सारी चीज पता होनी चाहिए। टर्बिडिटी की पूछूं 1 और 5, अगर मैं अडर की पूछूं 1 और 3, नाइट्रेट की बात पूछूं 45, नाइट्राइड की पूछूं 0.0, फ्लोराइड कंटेंट की पूछूं 1 और 1.5, सारी चीजें जैसे रटी हुई है ऐसे रटी हुई होनी चाहिए, तब तो मामला सेट है, नहीं तो भाई जीवन में बहुत आफत ही आफत है बाबू। चलें अगला सवाल, 500 सभी लोग इसका आंसर बताइए भैया। पॉपुलेशन फॉर न्यू सर, हेयर कहां से कटवाए हो, पीपल के पेड़ के नीचे कटवाया हूं चलेगा क्या, हेयर कहां से कटवाए हो, वो कहां से कटवाए हो, मजा लेने से मतलब है। सभी लोग मुझे बताएंगे 21 का आंसर क्या आएगा, Which method is considered? सभी लोग मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, जियोमेट्रिक, क्योंकि यंगर के लिए पूछा है, अगर ओल्ड के लिए पूछता तो आंसर आ जाता अर्थमेटिक। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग इसका आंसर बताइए, सभी लोग बताएंगे 22 का आंसर, और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेना वहीं पे आएगा, तो 22 का आंसर क्या आएगा भैया, काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, काफी लोग सही दे रहे हैं, काफी लोग मुझे तो गलत ही गलत वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं, सही वाले तो दिखते ही नहीं है भाई, तो आंसर क्या आएगा भैया डी आंसर आएगा। इसकी भी टेबल है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन पाइप 10 सेंटीमीटर डायमीटर, अब सुन लो, अगर पाइप का सेंटीमीटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी भैया, लिख लो 0.9 m³/s, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर 15 सेंटीमीटर है तो कितना होता है भैया 1.2 m/s, दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर होता है तो कितना होता है भैया 1.3 m/s, दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर 40 होता है तो कितना होता है बाबू 1.8 m/s, मैं चाहूंगा आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने सुंदर नोट्स में सुबह क्या बोलते हैं उसको लिख लीजिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आगे चलूं, क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, क्या सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट करके बता दीजिए भैया क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या। सर कल का पीडीएफ नहीं मिला है भैया, मेरे टेलीग्राम पर मैंने आरसीसी मॉक टेस्ट के नाम से डाल दिया है, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या, चलो के आगे, यस, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.9।
अगला बताए, इन स्टोन वेव साल्ट गैल्ज पाइप यूजली व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट, कौन सा यूज करते हैं? जल्दी से बताइए भैया, सभी लोग मुझे बताओ कौन सा करते हैं, कौन सा बताए? बहुत बढ़िया, सभी लोग मुझे बताओ कौन सा यूज करते हैं। सभी लोग बताओ, बहुत बढ़िया, आंसर कौन सा? बी। सारे ज्वाइंट की पीडीएफ मैं एक बार शेयर भी कर दूंगा, सभी लोग पढ़ लेना भैया, क्लियर। अगला सवाल, सभी लोग बताएंगे कौन सा नोट एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज नहीं है सीआई पाइप का, तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है बताओ, कौन सा नहीं है भैया, कौन सा नहीं है, सभी लोग मुझे बताओ कौन सा एडवांटेज नहीं है। सभी लोग मुझे बताओ कौन सा एडवांटेज नहीं है। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा? डी, डी वाला, दे आर नॉट, मतलब ये नाजुक नहीं होते, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है? नाजुक, जैसे आप बोलते हो ना, तुम तो बड़े नाजुक हो भाई, कमजोर। अगला सवाल, डी, अगला सवाल, सभी लोग मुझे बताओ, आज ही ट्रिक बताई थी, ढोल को बता दो इसका, तो आज ही ट्रिक बताई थी अभी, सभी लोग मुझे बताओ, अभी ट्रिक बता के आ रहा हूं, सभी लोग इसका तो आंसर बता दो। कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? कल का कल बता दूंगा मैं टेलीग्राम में, इसका आंसर तो बता दो भैया। सर डब सर वेस्ट बंगाल वाले का सॉल्यूशन करवा दीजिए। सभी लोग मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। अरे सवाल लो, इसकी ट्रिक सुन लो, क्या हमें अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है क्या? यस, वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है, वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट। सर आपने अल्फाबेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? एफ, तो सबसे पहले तीसरा, फिर आता है उसके बाद जी, तो दूसरा, फिर आता है गाइज एस, तो पहला, फिर आता है डब्लू, तो चौथा, तो 3 2 1 4 छाप लीजिए बाबू, मुझे तो दिख नहीं रहा, आंसर आ गया है सी। अगला सवाल भाई, सभी लोग आप लोगों की, सभी लोग मुझे बताएंगे, व्हाट इज द डिजाइन पीरियड ऑफ ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताएंगे 25 का। मोनिका सिर्फ कमेंट करने आती है, पढ़ाई नहीं करती है। ओ ज्ञानी बाबा, यूनिवर्सल ज्ञान, आप क्या करते हो, उसके कमेंट को पढ़ने आते हो क्या? आप क्वेश्चन पढ़ने नहीं आते हो क्या? आप मोनिका के कमेंट को पढ़ने आते हो? जब तुम इतना ही ध्यान रख रहे हो मोनिका क्या करने आती है, तो तुम उसके कमेंट पढ़ने आते हो यहाँ पर? ये तो नहीं कि चुपचाप पढ़ाई कर लूं, क्या टम्पू आदमी है यार। अगला, इसका आंसर क्या आएगा भैया? सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो कितना आएगा भैया? 30 साल, क्लियर। तो किसका पूछा है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूछा है। आप लोगों से किसी का भी पूछ सकता है गाइस, कन्वेंसिंग जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सॉरी जो आपके पंप वगैरह है, पंप वगैरह का पूछ लेगा तो 15 साल होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का पूछ लेगा तो 15 साल होता है गाइज, इनफिल्ट्रेशन वर्क का पूछ लेगा 30 साल होता है गाइज, रिजर्वायर स्टोर इनका पूछ लेता है डैम का रिजर्वायर का तो 30 साल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला सवाल आप लोगों की आंखों के सामने, मैं चाहूंगा सभी लोग इसका आंसर दें। सभी लोग, 4 बजे क्लास नहीं है क्या? है ना 4 बजे, 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा, तो छोड़ दूंगा अभी, 4 बजे तो क्लास है, क्यों नहीं है? बताओ, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मेरा फेवरेट है, हाय पैराडॉक्स। तो आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, सी। तो आंसर क्या आएगा भैया? सी। कैसे सी आ रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है भैया। सबसे पहले इन सब का डिफरेंस निकाल लो, तो इन सब का डिफरेंस कितना आएगा? 60,000, 5,000। लो भैया फॉर्मूला क्या होता है? पी नोट प्लस एन एक्स बार, तो 5,000, 5,000, 5,000, तो एवरेज भी कितना निकल के आएगा? 5,000। तो मैं सीधा रख दूं, तो सबसे पी नोट कितना है गाइस? 60,000 प्लस एन कितना है? सभी लोग मुझे बताओ, 2।
इंटू एक्स बार कितना आएगा 5000। सोल्व कर लो, आंसर कितना आएगा 7000। अगला सवाल सभी लोग करेंगे दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट में भाई लाल लाल भर दीजिए रे बाबा, सभी लोग कर दो जल्दी से, सभी लोग कर दीजिए भैया एकदम से, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे भैया। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ आंसर क्या आएगा भैया। तो 27वें में क्या आंसर आएगा? सी। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा, सी। सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इसने गाइस आप लोगों से पूछा है कि भैया सबके फ्रीमेंस का फॉर्मूला 1136P/10, आप लोगों से कुछ लिंक का भी पूछ सकता है, तो उसका कितना होता है गाइस 31/80√P, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका कितना होता है। क्लियर, आप लोगों से किसा भी पूछा जा सकता है। क्लियर, ये सारे छोटे मोटे फॉर्मूले सब आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें अगला सवाल, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। अगला सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जनरली, तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, एवरेज। अगला सवाल करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क एनारोबिक, जल्दी से बताओ भैया कौन सा एनारोबिक आएगा। बताओ भैया जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा भैया, फर्स्ट। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कौन सी एरोबिक होती है, कौन सी एरोबिक। जैसे मैं बोलूं ट्रिंकलिंग फिल्टर क्या होता है, सबका बता देता हूं, ट्रिंकलिंग फिल्टर एरोबिक होता है, पर सिस्टम कौन सा होता है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम भी हो रहा है क्या? अरे भैया मैं जाऊंगा, लास्ट सवाल है अटैच, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए अटैच। क्लियर, अगर मैं आपसे पूछूं आरबीसी, तो आरबीसी भी गाइस एरोबिक होता है, और ये भी क्या होता है भैया, अटैच होता है। अगला मैं पूछूं एएसपी, एएसपी भी क्या होता है भैया, एरोबिक होता है, पर ये अटैच नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया सस्पेंडेड में रहते थे, सस्पेंडेड ग्रोथ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन पॉन्ड ओपी, तो ये क्या है भैया, ये भी सस्पेंडेड एरोबिक है, पर कौन सा है भैया, सस्पेंडेड ग्रोथ है। क्लियर, साथ में मैं आप लोगों से पूछूं सेप्टिक टैंक, हाँ अब आ जाएगा मजा, ये क्या एनरोबिक है, एनएरोबिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, और क्या है भैया सस्पेंडेड, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हिमोफ टैंक। गाइज हिमोफ टैंक क्या है भैया आपका, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए, क्या भैया एरोबिक है गाइज, सॉरी हिमोफ टैंक है ना, एनएरोबिक है, और क्या है भैया सस्पेंडेड है। तो मैंने सारी चीजें लिखवा दी हैं, तो गाइज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं अपने वहां पर डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है भैया, सारे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। मैंने 30 सवाल करवा दिए, कुछ सवाल बच रहे हैं 5-7, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और उनके आंसर ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आ रहा हूँ क्लास, क्योंकि मेरी प्लस क्लास है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है बाबू, सिविल गुरु कोड लगाकर, ये वाला कोड लगाकर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएं। आप उसको सर एबीसीडी वाला मैं मेरे टेलीग्राम में भेज दूंगा, एबीसीडी वाला मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्विज होगा वो आप लोगों का किसका ऊपर रखें वो आप मुझे बता देना, सोयल जिसके ऊपर भी रखना है रख लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय गाइज, अभी जाता हूं मैं प्लस क्लास में, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, ठीक है, चलो।